हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का मेरा लेक्चर है रेशो से रिलेटेड। मैंने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी उसमें भी मैंने आपको रेशो का बताया था कि व्हाट इज़ रेशो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। और थर्ड मेरा उसमें जो सब आर्टिकल था वो ये था कि हाउ टू सॉल्व प्रोपोर्शन या फिर रेशियोज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं अपना लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सबमिट करूँगी ताकि आप वो वीडियो पहले देखें, फिर आपने ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये रेशियो से ही रिलेटेड आर्टिकल है। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो की समझ नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं हम आगे नेक्स्ट अपना कि सिंप्लीफिकेशन रेशियो की किस तरह करनी है। रेशियो से रिलेटेड एक और सब आर्टिकल होता है, हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो। सिंप्लीफाई रेशियो क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जाता है कि सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग रेशियोज, सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग, और नीचे कुछ रेशियोज दे दी जाएंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। अगर ये आपको आर्टिकल आएगा तो आपके लिए इक्विवेलेंट रेशियो समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आज का जो आर्टिकल है इसमें बता रही हूँ कि हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो, एंड सेकेंड मैं आपको बताऊँगी हाउ टू राइट रेशियोज फॉर स्टेटमेंट क्वेश्चंस। अगर आपके पास क्वेश्चंस हो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, तो आपने रेशियो को किस तरह राइट डाउन करना है, ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। नाइन्थ और टेंथ ग्रेड के अंदर रेशियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड शॉर्ट, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा कवर होते हैं। तो हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो एंड हाउ टू राइट रेशियो फॉर स्टेटमेंट या फिर वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह हमने रेशियो के फॉर्म में लिखना है, तो ये हम आज के आर्टिकल में सीखेंगे। किस तरह करते हैं सिंप्लीफाई रेशियो, सबसे पहले हम ये करते हैं हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो। मैंने आपको बताया था कि रेशियोज, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशियो होते क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैं इसमें उस इतने डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन सिंपली अगर आपने रेशियो को डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि दो चीज़ों के दरम्यान में रिलेशनशिप, जब वो नंबर्स के फॉर्म में डिफाइंड उसको कर दें। तो हमने सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, अगर आपके पास लेट्स सपोज है 8:20 और आपको कह दिया जाए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसके अंदर 8:20 दे दिया, एक रेशियो आपको दे दी गई है, इसमें पहला डिजिट क्या 8, सेकंड डिजिट क्या 20। आपने इसको सॉल्व करना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दो मेथड है सिंप्लीफिकेशन के। एक मेथड है जैसे आप स्टार्ट कर दें, मैं यहाँ पे दोनों मेथड करती हूँ, मेथड वन, ताकि जो भी आपको लगे मेथड ईजी है आप उसके थ्रू अप्रोच कर लें। मेथड वन के आपने देखना है 8:20, आप इधर करें 8/20, पहले इसको इस तरह डिवीजन की फॉर्म में लिखें, फिर 8 को भी डिवाइड कर दें 2 के साथ, देखें 2 पे डिवाइड होता है, जिस पे भी ये दोनों नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं, सबसे जो लीस्ट कॉमन नंबर है आपके पास जिस पे ये दोनों ही डिवाइड होते हैं, आपने दोनों को सेम नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। 8 को डिवाइड किया 2 के साथ तो आ गया 4, 20 को डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारे पास आ गया 10। अब आपने 4, 10 को पकड़ना है, देखना है क्या ये दोनों भी 2 पे डिवाइड होती हैं, अगर तो होते हैं आप फिर से डिवाइड कर दें। 4/2, 2, 10/2, 5। अब देखें क्या ये 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, 2 पे डिवाइड होते हैं, नहीं, इसका मतलब ना ये 2 पे होता है ना ये 2 पे होता है, अगर 2 पे नहीं होता तो ये किसी और नंबर पे भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई रेशियो की। तो 8:20 को हम 2/5 भी देख सकते हैं, 2/5 सिंप्लीफिकेशन है 8:20 की, तो इसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया। एक तो ये मेथड है कि आपने 2 देखना है, 2 पे दोनों होते हैं कि नहीं, दोनों को कर देना है, नहीं तो फिर 3 पे होता है कि नहीं, फिर 4 पे होता है कि नहीं, फिर 5 पे होता है कि नहीं, आपने इस तरह 2, 3, 4, 5 देखते जाने हैं और करते जाना है जब तक कि आपको सबसे छोटे नंबर्स ना मिल जाएँ जो फर्दर डिवाइड ना हो सके सेम नंबर पर, तो आपने वहाँ पर जाके रुक जाना है। एक ये अप्रोच है। सेकंड मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी भी है। सेकंड मेथड में आपने क्या करना है, आपने देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों नंबर का, 8 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो भी होगा आपने दोनों को उससे डिवाइड कर देना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी फैक्टर्स वाली तो आप देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर किस तरह निकालते हैं, फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा रिव्यू दूंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी लिंक दे रही हूँ, आप उस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आ जाए फैक्टर्स का।
इसमें आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो पहले आपने एट के फैक्टर निकालने हैं। तो एट के फैक्टर क्या होते हैं, 2, 4, 8, ये किस तरह, सॉरी 1 भी होता है, तो ये किस तरह आए हैं, या आप वो वाली वीडियो देखें आपको समझ आ जाएगी। 20 के कैसे फैक्टर निकालने हैं, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, मैंने फैक्टर्स लिखते हैं दोनों के। अब दोनों के आपने लिखना है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स दोनों में है 1, 2, 4, बस इसमें और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो मिलता हो। इन कॉमन फैक्टर में आपने देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा, तो वो है 4, 4 आपने पकड़ लेना। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया, आपने उसको इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जैसे 8/20 था, तो आपने इसको डिवाइड करना है 4 के साथ, इसको डिवाइड करना है 4 के साथ, तो ये आ गया 2/5। बस आपने इतना सा ही स्टेप करना है, आपके पास आ जाएगी। इसमें आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला किस किस नंबर पे हो रहा है, कितना कहाँ तक हो रहा है। आपने जस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, उससे डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा आपने आँख बंद करके लिख देना कि ये इसका आंसर है और ये ठीक आंसर है। ये था मैथड 2, ये था मैथड 1। दोनों में से जो सा आपको लगता है ईजी है, जो सा आपको लगता है ज़्यादा ईजीली क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आप उस मैथड के थ्रू कर लें, दोनों मैथड ही ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी से रिलेटेड। जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना आपके लिए टॉपिक इजी हो जाएगा। 20:15, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो अगर तुम्हें 20:15, अब अगर देखा जाए तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, दोनों 3 पे डिवाइड दोनों नहीं होते, 4 पे नहीं होते, 5 पे दोनों ही होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 20/5 और 15/5। 20 को 5 पे डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 4, 15 को करें तो 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 4:3 या फिर 4:3। आप किसी तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज 30:20। अब आपने इसको देखना है 30:20। अब मैं जो पहली अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग जा रही हूँ, 30 2 पे डिवाइड होता है और 20 भी 2 पे डिवाइड होता है, 15/10। 15 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो आपने क्या करना है, 15 को किस पे, 15 3 पे डिवाइड होता है, तो आप 15 को 3 पे डिवाइड करते, लेकिन नहीं, फिर 10 डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको नहीं कर सकते, तो आपने वो नंबर पिक करना है जिस पर दोनों डिवाइड हो जाएं। तो ये अगर हम 5 पकड़ेंगे तो 15/5 और 10/5 तो दोनों ही हो जाएंगे। 15/5 हमें 3 देगा और 10/5 हमें 2 देगा, तो हम लिख सकते हैं 3, 2। ये हमारे पास आ गई सिंप्लीफिकेशन रेशियोज़ की। इसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थ्रू भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच पकड़ी थी। आप सेकंड वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड मेथड लिख रही हूँ इसका। सिंपली आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 30 के, कॉमन सॉरी फैक्टर्स निकालने हैं 30 और 20 के। 30 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15। 30 कुछ लोग कह रहे होंगे किस तरह निकाल रहे हैं, तो मेरी वीडियो है, लिंक मैंने दे दिया, आप उसको देखें। इसमें आपने देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1, 2, 5 एंड 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 10। तो आपने सिंपली क्या करना है, 10 से 30 को भी डिवाइड करना है, 20 को भी। जब आप 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 20 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस स्टेप के बाद सीधा इस स्टेप पे आ जाना था आपने, अगर आप ये मेथड को यूज़ करते, लेकिन इसके लिए आपको ये वाला वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास जो आर्टिकल सब आर्टिकल है, वो है हमने स्टेटमेंट्स के थ्रू रेशियोज को किस तरह राइट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास स्टेटमेंट है, इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, समीर हैज 3 oranges, 4 bananas,
and 5 apples. Write down following ratio. मैंने फॉलोइंग रेशियो इस तरह इसलिए लिखा है, आपको क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आएगा, आपको बस ये कहा जाएगा राइट डाउन द फॉलोइंग या फिर व्हाट इज, और नीचे आपको लिखा आएगा ए रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल्स, बी इस स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स बने होंगे, बी रेशियो of apples to bananas, C ratio of oranges to bananas. ज़रूरी नहीं है यही आए क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. इस तरह के स्टेटमेंट आएगा और आपको कहा जाएगा रेशियो राइट डाउन करें, तो आपको लिखना आ जाए कि रेशियो किस तरह निकालनी है. तो आपको पता है रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल्स, पहले आपने देखना ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने, समीर के पास 3 ऑरेंजेस थे तो ऑरेंजेस कितने हैं 3, 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं. एप्पल्स कितने हैं टोटल 5, तो 3 रेशियो 5 ऑरेंजेस टू एप्पल होगी. सेकंड आपने देखना है एप्पल्स कितने थे 5, बनानास कितने थे हमारे पास 4, तो 5 रेशियो 4. ऑरेंजेस कितने थे 3, बनानास कितने हैं 4, 3 रेशियो 4, तो ये हमारे पास रेशियो आ गई. इस तरह आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपने रेशियोज के फॉर्म में दिखना होगा. मेरे पास क्योंकि पेपर है, मैं पेपर के ऊपर करवा रही हूँ, तो मैं इस वजह से आपको कलर्स नहीं कर सकती. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको डायग्राम दे दी जाती है, एक बॉक्स होता है उसके अंदर रेड कलर के बोल्स, ब्लू कलर के बोल्स, येलो कलर के बोल्स होंगे और आपको कह दीजिएगा कि रेशियो बताएं येलो टू रेड, येलो टू ब्लू, ब्लू टू येलो, तो वो आपने उस तरह ही टोटल करके लिख देने हैं. मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल करवाए देखी हूँ. लेट्स सपोज आपके पास है एक बॉक्स जिसके अंदर कुछ स्क्वायर बॉक्सेस हैं, स्केयर नहीं बन रहे लेकिन रफली जस्ट कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, कुछ सर्कल्स, सर्कल में बॉक्सेस हैं और कुछ स्केयर में बॉक्सेस हैं. कुछ सर्कल्स हैं, कुछ स्केयर्स हैं, कुछ हम उसके अंदर ट्रायंगल्स डाल देते हैं. इस बिग बॉक्स के अंदर कुछ ट्राइंगल्स बॉक्स हैं, स्मॉल कुछ सर्कल हैं और कुछ स्क्वायर हैं. आपको अगर पूछा जाए रेशियो ऑफ स्क्वायर बॉक्स टू सर्कल 1, रेशियो ऑफ ट्राइंगल बॉक्स टू स्केयर बॉक्स, यहाँ पे जगह कम है मैं इसलिए इस तरह लिख रही हूँ, तो स्केयर बॉक्स टू सर्कल अगर करें तो स्केयर बॉक्स आपने काउंट करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. स्केयर बॉक्स कितने 8 रेशियो, सर्कल कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब आपने इसको 8 रेशियो 6 नहीं लिखना, आपने देखना है कि क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो आपने लिखनी है. तो 8 भी 2 पे डिवाइड होता है, 6 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करूँ तो ये आएगी 4 रेशो 3. तो आपने ये 4 रेशो 3 लिखनी है, ये आपकी पेपर में करेक्ट मानी जाएगी, ये आपकी करेक्ट नहीं मानी जाएगी. तो आपने ये वाली फॉर्म लिखनी है, रेशो ऑफ ट्राइंगल बॉक्स टू स्केयर बॉक्स. ट्राइंगल कितने हैं 1, 2, 3, 4, स्केयर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब आपने पेपर में ये नहीं लिखनी, आपने इसको सिंपलिस्ट करके लिखना, तो विच इज़ इक्वल टू टू, नो इट वुड बी इक्वल टू 1 एंड, अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ 2 एंड 4, ये अगेन सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये होगा 1 एंड 2, तो ये आपका आंसर होगा 1 रेशो 2. तो ट्राइंगल बॉक्स की रेशियो स्केयर बॉक्सेस के अकॉर्डिंग 1 रेशो 2 है, स्केयर बॉक्स से सर्कल के अकॉर्डिंग 4 रेशो 3 है. ये एग्जांपल कराने का सिर्फ ये पर्पज़ था कि जैसे इसके अंदर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती थी तो आपने बस टोटल किया और लिख दिया.
इसमें आपने टोटल करके लिखने के बाद देखना है क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, और अगर तो हो सकता है तो आपने ज़रूर करना है, वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इसलिए मैंने आज का जो ये टॉपिक था इसके साथ सिंप्लीफिकेशन रखी थी और राइट रेशियोज रखी थी, ताकि आपको मैं बता सकूँ किस तरह सिंप्लीफाई करना है, और फिर मैं आपको बता सकूँ किस तरह रेशियोज़ को लिख के आपने देखना है कि सिंप्लीफाई होती है तो आपने करनी है, नहीं होती तो आपने नहीं करनी। होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।